हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सब का नाम या तो किसी ग्रीक देवता के नाम से है या फिर रोमन देवता के नाम से, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा प्लैनेट है जिसके नाम के साथ किसी भी देवता का नाम जुड़ा नहीं है, और वो और कोई नहीं बल्कि प्लैनेट अर्थ है। और अर्थ के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि जिस नाम से इसे पूरे दुनिया के लोग जानते हैं, उसी नाम को इस धरती के किस शख्स ने दिया था ये आज तक किसी को पता ही नहीं चला। तो इसी धरती की तरह एक और प्लैनेट जहां हम इंसानों के रहने लायक कंडीशन हो, ऐसे प्लैनेट को ढूंढने के लिए नासा, इसरो, स्पेसएक्स कई सालों से लगे पड़े हैं। और इतने सालों के लंबे सफर के दौरान इन स्पेस एजेंसीज के हाथों ऐसे प्लैनेट्स मिले जहां धरती लायक कंडीशन मौजूद है। उन्हीं में से एक प्लैनेट है K2-18b, जिसके ऊपर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने वादा किया था कि अगर उस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम उस वीडियो के दूसरे पार्ट जिसमें K2-18b से जुड़ा हर एक फैक्ट और हर तरह की मिस्ट्रीज को आप तक लाकर रहेंगे। और एक खास बात, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्लैनेट था जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप से रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं आया। ये तो मैं नहीं जानता कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप आज स्पेस के किस हिस्से में जाकर रुका है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ स्पेस को समझने में जिस तरह का योगदान केपलर टेलीस्कोप का रहा है वो शायद ही किसी और टेलीस्कोप का हो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक हल्की सी झलक डालते हैं केपलर स्पेस टेलीस्कोप पर। केपलर स्पेस टेलीस्कोप नासा का डिजाइन किया हुआ एक स्पेशल टेलीस्कोप था। इस टेलीस्कोप को नासा ने धरती जैसे प्लैनेट की खोज करने के लिए 2009 में लॉन्च किया था। इसका मकसद था धरती की करीबी रीजन यानी कि मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से का सर्वे करना और उसमें धरती जैसे एक्सोप्लैनेट्स जो अपने स्टार से एक स्पेसिफिक यानी कि इंसानों के रहने लायक कंडीशन पर लोकेटेड है, इनकी खोज करना। नवंबर 2013 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप प्रोग्राम का एक और स्पेस मिशन सामने आया जिसे नाम दिया गया K2 सेकंड लाइट मिशन। ये वही मिशन था जिसके जरिए हमें मिला K2-18b, एक अनोखा लेकिन धरती जैसा प्लैनेट। जिस वजह से यह धरती से काफी मेल खाती है वो है इसके सरफेस पर मिले वाटर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसे वाटरी सुपर अर्थ नाम दिया गया। K2 मिशन के तहत डिस्कवर किया गया ये 18th एक्सोप्लैनेट था, मतलब इसके पहले इस मिशन में 17 और एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए गए थे, तो इसी वजह से इसका नाम K2-18b रखा गया। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, K2-18b धरती से 8 गुना बड़ा होने के कारण इसे सुपर अर्थ का दर्जा दिया गया। लेकिन क्या सुपर अर्थ की लिस्ट में सिर्फ K2-18b की ही गिनती होती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सुपर अर्थ का सही मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। सुपर अर्थ की लिस्ट में शामिल हर प्लैनेट का मास धरती से ज्यादा लेकिन यूरेनस और नेपच्यून से कम होता है। ऐसे सिचुएशन में हर वो प्लैनेट जिसका मास धरती के मुकाबले करीब 8 गुना ज्यादा है वो सुपर अर्थ की गिनती में शामिल हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए एक और अर्थ लाइक प्लैनेट जिसका मास 8 गुना नहीं बल्कि धरती से कम 10 गुना ज्यादा है, क्या ऐसे प्लैनेट को भी सुपर अर्थ कहा जाएगा? तो इस तरह के प्लैनेट को नाम दिया गया है मेगा अर्थ। केपलर 10c कैटेगरीज में शामिल होने वाला पहला मेगा अर्थ साबित हुआ है। चलिए अब K2-18b से जुड़ी कुछ खास बातों पर दोबारा रोशनी डालते हैं। इस प्लैनेट की खोज 2015 में धरती से करीब 124 लाइट ईयर दूर एक रेड ड्वार्फ के ऑर्बिट में की गई थी। K2-18 स्टार के साथ 33-day ऑर्बिट में लॉग्ड ये एक्सोप्लैनेट शायद आने वाले समय में अपनी सतह पर इंसानों के कदमों को महसूस कर सकता है। 2019 में किए गए दो इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडी से हम ये पता लगाने में कामयाब हुए कि K2-18b के एटमोस्फियर में एक भारी मात्रा में वाटर वेपर मौजूद है। इस तरह किसी एक्सोप्लैनेट पर पानी का मिलना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है और वो फैक्टर है डिस्टेंस। जी हाँ, प्लैनेट और स्टार के बीच की दूरी तय करती है कि वो प्लैनेट रहने लायक होगा कि नहीं। धरती जिस तरह सूरज से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर मौजूद है उसीलिए धरती पर तापमान और एटमोस्फेरिक कंडीशन इंसानों के रहने के लायक है। इस सिचुएशन में धरती और सूरज के बीच जो एवरेज फिक्स डिस्टेंस है उसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है और यही हैबिटेबल जोन K2-18 स्टार और K2-18b प्लैनेट के बीच भी मौजूद है, जिस वजह से इसके सरफेस पर लिक्विड वाटर होने के चांसेस काफी ज्यादा बताया जाता है। लंदन की एक रिसर्च टीम ये पता लगाने में जुटे हुए थे कि K2-18b में आखिर पानी किस मात्रा में मौजूद है। इस टीम के रिसर्च से जो बात सामने आई हमारी K2-18b को लेकर दिलचस्पी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। इस रिसर्च टीम ने अपने रिपोर्ट में ये खुलासा किया कि K2-18b के एटमोस्फियर में वाटर वेपर की मात्रा 0.01% से लेकर 50% के बीच है। अब जब किसी एक्सोप्लैनेट पर पानी इतनी बड़ी रेंज में पाया गया हो
तो ऐसे प्लैनेट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसी हालत में K2-18b के सरफेस पर पानी शायद आने वाले समय में बांध बनकर बहने लगे या किसी तालाब या समुन्दर को जन्म भी दे सकता है। ऐसा दावा K2-18b को लेकर रिसर्चर्स कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आई, वो है इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर जो काफी अनस्टेबल बताया गया है, और K2-18b के सरफेस पर टेम्परेचर -73 से 47 डिग्री सेल्सियस डिटरमाइन किया गया है। इस हालत में K2-18b या तो एंटार्क्टिका से भी ज्यादा ठंडा होगा या फिर रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्म होगा। एक एक्सोप्लैनेट जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में लोकेटेड है, उसके सरफेस पर पानी की खोज सुनने में भले ही रोमांचक लगे, लेकिन इससे इस बात का अंदाजा लगाना कि आने वाले समय में उस प्लैनेट पर जीवन पनपने लगेगा शायद पूरी तरह गलत साबित हो, क्योंकि किसी भी प्लैनेट पर जीवन का होना सिर्फ पानी पर निर्भर नहीं करता। उसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि प्लैनेट की बनावट और उसका एटमॉस्फेयर, ये सब भी काफी मायने रखता है। K2-18b के भविष्य को लेकर आज हमारे पास कई सारे सवाल मौजूद है। आने वाले समय में K2-18b को बेहतर तरीके से समझने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और एरियल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों टेलीस्कोप इस एक्सोप्लैनेट की एटमॉस्फेरिक कंडीशन की खोज में निकल पड़ेंगे। 2009 में पहली बार स्पेस की ओर छलांग लगाने वाले केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने करीब 9 साल तक नए नए एक्सोप्लैनेट्स और एलियन दुनिया की खोज की, और अक्टूबर 2018 में अपनी स्पेस जर्नी को अलविदा कह दिया। अपने मिशन के चलते केपलर ने 2600 से भी ज्यादा स्ट्रेंज मगर एक्साइटिंग एक्सोप्लैनेट को दुनिया के सामने पेश किया। केपलर को रिटायर हुए अब 2 साल हो चुका है। जब केपलर मिशन के डेटा री एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल किया गया तो इस डेटा में एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया गया जिसका साइज, टेम्परेचर और ऑर्बिटल पीरियड बिल्कुल धरती जैसा मिला। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये थी कि ये प्लैनेट K2-18b की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ही मौजूद है। इस प्लैनेट को नाम दिया गया Kepler-1649c। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरिस्टियल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने 2020 में इस प्लैनेट को मोस्ट सिमिलर प्लैनेट टू अर्थ यानी कि धरती से काफी मेल खाने वाला प्लैनेट डिक्लेयर किया। इस रिसर्च को भी केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए अंजाम दिया गया था। इनफैक्ट केपलर की मदद से डिस्कवर किए गए अब तक के सारे एक्सोप्लैनेट में ये प्लैनेट जो धरती से 300 लाइट ईयर दूर है उसे ही धरती का सबसे करीबी मैच माना जाता है। अपने लगभग 10 साल के सफर में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे मिल्की वे से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में हमारी मदद की। हमें आशा है कि केपलर के जरिए दिखाए गए सारे प्लैनेट्स जिसमें K2-18b और Kepler-1649c शामिल है वो आज नहीं तो कल एक रहने लायक कंडीशन के रूप में उभर कर सामने आएगा। मानव जाति आज सिर्फ धरती से नहीं बल्कि अपने पास मौजूद सारे प्लैनेट्स में पानी और ऊर्जा पैदा करने वाले तत्वों को बारीकी से खोज कर रहे हैं। क्या पता आने वाले समय में इंसानियत इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करे कि हम अपनी इच्छा के अनुसार धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलकर अपने मनचाहे प्लैनेट को करीब से देख सके। लेकिन आज के समय बस यही उम्मीद है कि धरती से बाहर के हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले या ना मिले, लेकिन अभी के लिए बस इस कोरोना का वैक्सीन मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। और इसी कोरोना वायरस को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साइपीडिया चैनल पर आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, जिसमें आपको इसके वैक्सीन निकलने में मिनिमम कितना समय लग सकता है उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक और लॉजिकल डिटेल वीडियो जरूर मिलेगा। तो जिन्होंने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पिंड कमेंट में दिए गए लिंक से उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो में एक प्यारा सा लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं बल्कि और भी अच्छे से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए आज के वीडियो में कोई भी लाइक का टारगेट नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।